आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल के जो नेता हैं, उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है। और 2022 साल भी लग गया और इसकी पड़ताल करने के लिए आज हम जनता के बीच आ चुके हैं और जनता से ही ये जान लेते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री का ताज जनता किसको पहनाने जा रही है और किसको देने जा रही है मुख्यमंत्री के सूबे की चाबी। और आइए हम बात कर लेते हैं कि 2022 में ये ताज किसको जनता पहनाएगी और 2022 क्या योगी का ताज रहेगा या चला जाएगा। तो हम जनता से ही बात कर लेते हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद है मेरे साथ, मैं इनसे बात करती हूँ और इनसे जान लेती हूँ कि इस बार योगी सरकार रहेगी या कोई और, या नई साल में कुछ और नया आएगा। क्या नाम है आपका? जिस तरह 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, तो किसको इस बार आप जो मुख्यमंत्री का जो ताज है किसको पहनाएंगे? योगी आदित्यनाथ। जिस तरह की इन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी को ये मुख्यमंत्री का ताज पहनाएंगे। और मेरे साथ दूसरे भाई योगी मौजूद है, इनसे भी जान लेते ये किस इनकी मंशा क्या है, ये किसको ताज पहनाना चाहेंगे। क्या नाम है? अनिल शर्मा मेहदिल। और इस बार जो जनता ने जो मन बनाया है 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का, वो श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का बनाएंगे उनको। और जो विकास कार्य उन्होंने 2012 से लेकर 2017 तक जितने विकास कार्य किए, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं कर पाए हैं। जहाँ तक योगी जी का सवाल है, सिर्फ फीता काटने का काम और नाम बदलने का काम वो सिर्फ कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं योगी जी की सरकार नहीं आएगी, मुख्यमंत्री का मन बनाया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, आप कैसे कह सकते हैं? सरकार योगी जी की आएगी, क्योंकि अपने देश में जो क्राइम है बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। ये कह रहे हैं कि क्राइम ही खत्म कर दिया है। क्राइम आप आंकड़े उठाकर देखो ना, पहले से कितने ज्यादा आंकड़े निकल के आ रहे हैं पुलिस स्टेशनों में अब पहले। और ये दो चार घटनाएं मैं आपको बता दूं कि रात में बेटी को जला दिया, आज उसका एक साल हो गया है, और कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और उनका और थानों में जाके देख लीजिए कितनी FIR बढ़ गई है पहले के, और MCRB के आंकड़े आप देखेंगी तो उससे पता चलता है कि पहले से कितने ज़्यादा वो हो रहे हैं, लोग पीड़ित हैं। ये कह रहे हैं, आपने कहा कि योगी सरकार में अपराध का जो ग्राफ कम हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया, ये कह रहे हैं कि ग्राफ बढ़ गया है। आप आंकड़ा उठा के देखिए, जब पिछली बार सपा की सरकार बनी थी तो सरकार बनते ही तुरंत कितने मर्डर हुए थे, अपने राजपुर क्षेत्र में कितने मर्डर हुए थे, भिनाड़ा में कितने मर्डर हुए थे। अगर हम बेटियों का सवाल करें तो योगी सरकार कहती है महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है महिलाएं, ये कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित हैं योगी सरकार में। ये इनके सामने की घटना है और ज्यादा पीछे की घटनाएं भी नहीं है कि कैफे हाथरस की बेटी को आधी रात में जला दिया गया बिना परिवार की सहमति के, और भी कई सारी घटनाएं हुई थी और इनके सारी संज्ञान में, लेकिन पता नहीं ये क्यों उनका ही पक्ष ले रहे हैं। चलिए, मेरे साथ और भी मौजूद हैं लोग, तो मैं उनसे भी जान लेती हूँ कि इस बार योगी सरकार आएगी या फिर कोई और, नई साल में क्या बदलाव नया होगा। क्या नाम है आपका? सुनील संध्या। इस बार किसको ताज पहनाएंगे मुख्यमंत्री का? ताज तो जनता पहनाएगी, ठीक है। गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, ये सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता था। जो का बैठा माहौल था वो जनता जानती है और उसने बैठा माहौल देखा है। लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, डर का माहौल था, डरती थी, ठीक है। लड़कियां सुरक्षित हैं,
हाँ अब सुरक्षित है जी, महंगा माहौल खत्म हुआ है, लड़कियाँ सुरक्षित हैं, योगी सरकार भी कहती है और यहाँ उनके समर्थक भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि लड़कियाँ सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप हाथरस का प्रकरण जानते ही हैं, जैसे रात को लड़की बिटिया की लाल मिट्टी का तेल जला के मिट्टी का तेल डाल के जला दी गई। अभी एसआई का एग्जाम देके एक मथुरा की बच्ची आगरा से जा रही थी, अधिक पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, उसका घर नहीं पहुंचे, उससे पहले रेप हो गया। ये हमारी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित है, हाथरस की बेटी को जला दिया गया। एनसीआरबी के आंकड़े देख सकते हैं आप, बेटियां आप बेटियों की बात मुझसे आप ये बताइए कि बेटियां सुरक्षित है, हाथरस की बेटी को जला दिया, क्या महिला सुरक्षित है? देखो मैं उस घटना की निंदा करता हूँ, जो गलत हुआ उसकी निंदा करनी चाहिए, वो किसी भी पार्टी से। बेटियां कहां से सुरक्षित है? एक आध आप मैं घटनाओं की निंदनीय घटना है ठीक है, लेकिन आप अगर ग्राफ के ऊपर जाएंगी, मतलब महिलाएं और बेटियां जो अपने आप को सुरक्षा महसूस करती हैं, वो हमेशा भाजपा सरकार के अंदर वो परिवर्तन आया है। आज गुंडे जेल के अंदर हैं, आप देख सकते हैं गुंडे खुद कह रहे हैं थाने में जाके कि मुझे हमें जेल में दे दो क्योंकि हम बाहर सुरक्षित नहीं है। देखिए गुंडे जेल के अंदर है, बेटियां सुरक्षित हैं। देखिए वो गुंडे जेल के अंदर है, इनकी मनगढ़ंत बातें हैं, और क्या बोलते हैं, जो इस समय जो सरकार के लोग हैं वही गुंडे बन चुके हैं। बच्चियां जो स्टूडेंट हैं, टीईटी के स्टूडेंट हैं, शिक्षा मित्र हैं, वो अपना हक मांगने जाते हैं तो उन पर ऐसे बर्दरता से उनके साथ व्यवहार किया जाता है कि गुंडों की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें बेटियां कैसे सुरक्षित हैं, जब जो रक्षा की भक्षक बन चुके हैं, तो इसमें बेटियां कहां से सुरक्षित हैं? बेटियां कहां से सुरक्षित हैं? अब इन्होंने कहा कि मनगढ़ंत कहानियां हैं, क्या मीडिया मनगढ़ंत कहानियां करती है? क्या मीडिया नहीं तो बताए जनता को कि गुंडे जेल के अंदर जा रहे हैं? गुंडे न्यूज तो मीडिया ही दिखा रही है ना, कि मीडिया मनगढ़ंत कहानियां दिखाएगी? देखिए ये मीडिया पर साफ तौर से निशाना साध रहे हैं कि मीडिया ही मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। देखिए अब मैं आइए दूसरों एक और भाई मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ और जान लेती हूँ कि क्या गुंडा राज खत्म हुआ योगी सरकार में, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्योंकि इनके ही जो पूर्व जो उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं, इनके यहाँ के उपाध्यक्ष हैं जो मैडम, उनके द्वारा ही एक बयान अभी कुछ ही दिनों पहले दिया गया है कि महिलाएं शाम ढलने के बाद थाने ना जाएं। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकर प्रसिद्ध है जी। आप कितने सारे युवकों के साथ यहाँ खड़े हो, आपको सुरक्षित नहीं हो आप? ठीक है, समाजवादी सरकार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी, वो खुद कहते थे बालकों से गलती हो जाती है। ठीक है, आज आप एक भी प्रकरण ऐसा दिखा दीजिए, चलो मथुरा आप बात करते हो हाथरस की, आगरा की, समाजवादी सरकार थी तो कितने रेप होते थे? ठीक है, आप उनके जो नेता हैं वो खुद कहते हैं कि बालकों से गलती हो जाती है। ये कह रहे हैं समाजवादी सरकार में काफी रेप होते थे, कुलदीप सेंगर से क्या हुआ था? की सरकार में होते हैं लेकिन कम होते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें तो जो भाजपा के विधायक हैं वही रेप कर रहे हैं, और फिर बाद में लड़की लड़ती है तो उस पर क्या बोलते हैं, उस पर ट्रक चलवा देते हैं, उसे मर्डर करवा देते हैं, पूरा बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर पर देखो जो भी है वो जांच चल रही है, वो जेल भी गए थे ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है। दूसरी बात क्या है, आप खुद देख लीजिए, आप खुद भी देख चुकी हो कितने हो रहे थे पहले घटना, कितनी लूट होती थी यहाँ पर, बिल्कुल राजपुर चुंगी मेन बाजार है आगरे का, वहाँ पे भी लूट हत्या कितनी होती थी, अब हो रही है क्या? पूरे दिन पूरी रात पुलिस गश्त दे रही है, समाजवादी सरकार में आराम से लूट करके जाते थे। ज्यादा पुरानी क्या घटना है, मेरे साथ और भी लोग का कहना है कि बीजेपी सरकार में रेप हो रहे हैं लेकिन कम मात्रा में हो रहे हैं, मात्रा कम हो गई है, लेकिन अखिलेश सरकार में मात्रा कुछ ज्यादा थी। अब उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि कम हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पहले से बढ़ ही रहे हैं। और रेप की बात है तो इनके विधायक और इनके मंत्री भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं। उनकी तो जांच चल रही है, तो जांच तो चल रही है लेकिन वो इन्वॉल्व है ना, जांच तो चलती रहेगी। क्या वो पदमुक्त है? अभी पदमुक्त रहते या तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, किसानों पर ये गाड़ियाँ चढ़वा देते हैं। इनका कहना है साफ तौर से अगर इस तरह का उन्होंने कोई कृत्य किया है जो बीजेपी के विधायक, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उनको हटा देना चाहिए। क्या? वो तो जांच का विषय है ना, जांच कर रही है। अगर वो जेल जा चुके हैं, साफ तौर से जब जेल जा चुके हैं तो कहीं ना कहीं वो अपराध, वो तो न्यायालय का विषय, वो कहीं ना कहीं अपराधी घोषित हुए उसके बाद जेल गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो तो न्यायालय का विषय, जो भी न्यायालय उनको करेगा वो जाएंगे। कहना चाहेंगे 2022 निश्चित रूप से 2022 का चुनाव जो है
जनता जनार्दन निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में है जिनके शासनकाल में आप देख रहे हैं निश्चित रूप से सभी लोग जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा ही एक इतना बड़ा मुद्दा होता है जनता का, क्यों पैसा धन कितना भी कमा लें। आपने देखा होगा कि तालिबान के अंदर, तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर जो है कब्जा कर लिया और वहाँ से जो व्यापारी थे वो जगह जगह भाग रहे थे। आपने भी देखा था टीवी चैनलों के माध्यम से, आपने देखा कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों से लटकते हुए आदमी जा रहे हैं। जब हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो हम कैसे मतलब वो करेंगे, इसलिए निश्चित रूप से हमारे योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री 2022, एक बार फिर मिलेगा उनको ताज और मिलेगी सत्ता की चाबी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है महंगाई से, बेरोजगारी से, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वादे किए थे। भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए थे, उन मैनिफेस्टो में से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नौजवानों के लिए किया हो, शिक्षा के क्षेत्र में किया हो। और कई इस समय जो देख रहे हो आप, बेरोजगारी का स्तर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगर कल ही एक गवर्नमेंट का डाटा रिलीज हुआ है जिसमें पॉवर्टी अगर किसी प्रदेश में सबसे ज़्यादा है तो दो जिले जो टॉप 3 जिले उनमें 2 जिले उत्तर प्रदेश के बहराइच और एक जिला और है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो टॉप पॉवर्टी लाइन में है। तो क्या इन आंकड़ों को झुठला दोगे? आपका बेरोजगारी के आंकड़ों को झुठला दोगे? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में आपने नहीं देखा कोरोना में कितनी बेकदरी हुई लोगों की? क्या इन चीज़ों को झुठला दोगे? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? हम नहीं देखते देश का चुनाव, देश के चुनाव के लिए अभी 2024 है। उत्तर प्रदेश कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ महंगाई है क्या जनता की जो सुध नहीं ले रहे हैं, वो तो राशन भी फ्री दे रहे हैं। अरे मैडम, राशन जरूर दे रहे हैं, पर क्या वो राशन भी राशन नहीं है जो 100 रुपए का तेल 200 रुपए में हो गया? क्या मिडिल क्लास के लिए वो राशन नहीं है जो 100 रुपए का तेल 200 रुपए में खरीद रही है? क्या वो पेट्रोल मिडिल क्लास की जरूरत का सामान नहीं है जो इतनी महंगाई पे चला गया? वो भी तो बेचारों की उस समाज से मैं भी आता हूँ, उसी श्रेणी में मैं भी आता हूँ कि कमाई लोगों की घट चुकी है। आपने देखा है घर में 5 कमाने वाले तो होते थे, अब 1 कमाने वाला है जिसकी आय भी लगातार जो 10,000 कमाता था वो 8,000 कमा रहा है। 5 सालों का स्तर ये है और महंगाई दोगुनी हो चुकी है। साफ तौर से योगी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सब निचले स्तर पे आ चुके हैं, कोई भी विकास नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना काल में जिस तरह से हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से कोरोना काल में सभी लोगों की जो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, सभी को मुफ्त वैक्सीन दी गई है, ये तो आप जानते हैं। इनका कहना तो ये है कि वैक्सीन इनको भी लगी है, फ्री लगी होगी, आप इनसे पूछ सकती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हमारी सरकार ने काफी कार्य किया है। इनका कहना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो काफी सरकार ने, कोरोना काल में सरकार की वजह से आज आप लोग खड़े हैं। मैम, इनको गंगा में लेती लाशें, तैरती लाशें नहीं दिखाई देती मैम। इनको गंगा के तट पे जो गड़े हुए मुर्दे नहीं दिखाई देते मैम। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग हमारा देश का सर्वश्रेष्ठ संगठन है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश सबसे विफल रहा है कोरोना काल में। और इस पर मैम इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा ही नहीं मैम। जब देश के इतने बड़े उसने संगठन ने, जिसमें बड़े बड़े नेता जिसमें राजनाथ सिंह जैसे लोग इसके मेंबर हैं, और उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि उत्तर प्रदेश सबसे विफल रहा है, तो इसके आगे में इनका साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश नीति आयोग की रिपोर्ट को भी जुटा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी ने देखा है, अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो कोरोना का भयावह रूप होता, जैसा कि आपने विदेशों में भी देखा है कई देश। नरेंद्र मोदी नहीं होते तो कोई और होता, और देश के प्रधानमंत्री ये करते होता, ये कह रहे हैं फ्री वैक्सीन मैम कोई एहसान नहीं कर दिया है, वो हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हम इस देश के नागरिक हैं, वो फ्री वैक्सीन देंगे मैम और जो योजनाएं होंगी वो करने का काम करेंगे मैम, कोई एहसान नहीं किया। और कोई और भी होता तो वो इससे अच्छा करने का काम करता, उत्तर प्रदेश सबसे विफल, सबसे निचले स्तर पर आने के हम नहीं देख पाते उसे। इनका कहना बिल्कुल निचले स्तर पे आ गया उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे? ये पूछिए इनके जो नेता हैं, जो कोरोना काल था जिसमें जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जनता को, इनके नेताओं की, ये नेता इनके घरों में बंद रहे, इन्होंने घरों में बंद हो गए सभा के नेता तो। मैम क्या बोले, डिंपल यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो धर्मपत्नी है, डिंपल यादव हमारी कन्नौज की सांसद है, हमारी समाजवादी पार्टी की नेता है, यहाँ लखनऊ एक्सप्रेसवे पे पूरे कोरोना काल में उनने अपने बच्चों के साथ, अपने दोनों बच्चों के साथ राशन बांटने काम किया, हर एक्सप्रेसवे पे, हर रास्ते पे समाजवादी पार्टी के लाल टोपी वाले कार्यकर्ता मौजूद थे जो राशन बांटने का काम कर रहे थे। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता गली गली
हो या खरंजा हो, किसी भी जहाँ पे भी व्यवस्था थी पूरी पूरी की है, ठीक है, राशन की, ठीक है। अच्छा, सड़कें, सड़कें, योगी जी का एक नारा था गड्ढा मुक्त सड़कें, क्या गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है? गड्ढा मुक्त है। देखिए बहन जी, पहले कैसी सड़क होती थी, आप देखिए पहले कैसे सड़क होती थी। पत्रकार में धनौली के लोग पिछले एक महीने से धरने पे बैठे हुए हैं और मैम उसमें हर राजनेता, सांसद, विधायक सब जाते हैं, उनको आश्वासन दे के आते हैं पिछले पांच साल से, और क्या बोलते हैं, लेकिन उनकी रोड नहीं बनी। अब जब वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अभी इनकी वो जो यात्रा चल रही है इनकी, उसमें यात्रा में उन लोगों ने काले झंडे दिखाने का ऐलान किया तो उनको बलपुरा थाने में बैठा लिया गया और ये कहते हैं गड्ढा मुक्त सरकार। जनता की आवाज को बीजेपी सरकार की जो जन यात्रा थी उसके द्वारा, उसके आदेश पर जनता की आवाज को थाने में बंद करके उनकी आवाज दबाई गई थी। नहीं जी, पहले भी देखिए, जब हम भी करते थे, ये तो सपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं वहाँ पर, हम भी करते थे तो हमें हमारे पे भी टॉर्चर होता है ना। गड्ढे मुक्ति, नहीं गड्ढे मुक्ति भी पहले क्या थी, पहले क्या होते थे, ये बगल में हमारा राजपुत्र वाला रोड है, आप एक राउंड लगा के आइए, यहाँ के मंत्री भी हैं सरकार में और जो विधायक भी हैं, आप लेके आइए। मैं बता देना चाह रहा हूँ खर्रा रोड का, मैं बता देना चाह रहा हूँ, हमारे जो राज्य मंत्री है डॉक्टर जी एस धर्मेश जी, हमारे महापौर नवीन जैन जी के प्रयासों से उखर्रा रोड आरसीसी स्वीकृत हो चुकी है, 64 लाख रुपए इसके लिए सेंट्रल हुआ है, साल हो चुके हैं, चुनाव का समय आ गया है, तब स्वीकृत हो चुकी है, मैम वोट के समय स्वीकृत हो चुकी है। वो मैम वो वहाँ का नाला खोदा पड़ा हुआ है मैम, उसका उसमें मैम कितनी बार हमने मेयर साहब को और मंत्री जी को अवगत कराया, लेकिन उसपे अब जब 5 दिन आचार संहिता में लगे बचे हुए हैं और सरकार इनकी जाने हुए, तब इनकी रोड स्वीकृत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी बोले सरकार जाएगी, इनके कहने से सरकार जाएगी नहीं, जनता के बीच में देखिए सरकार का मुख्यमंत्री का कितना लाभ है। आज भी देखिए जनता कितना राशन फ्री में दे रहे हैं, पहले सरकार ने उन्हें दी थी क्या आधा राशन कंट्रोल के, जो नहीं पहले पहले क्यों नहीं पड़ी, घर के पास कंट्रोल नहीं होते थे, पहले घर के 5 लोग थे, 5 के 5 कहीं ना कहीं नौकरियां करते थे, ठीक है। अब उन्हें राशन की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि 4-5 घर बैठे हैं, कहाँ से खाएं, कहाँ से कमाएं, आप बताइए। अब वोट के नाते ये अपना राशन बांट रहे हैं, वोट तक बांटेंगे, वोटों के बाद बंद कर देंगे, जितने का वोट राशन है जितने का उसमें राशन उससे महंगा थैला है। योगी सरकार के द्वारा जो राशन बांटा जा रहा है वो महज मार्च तक के लिए, ऐसा क्या नहीं है, ऐसा नहीं है, कहाँ कौन बोल रहा है मार्च तक के लिए, पहले आदेश में जो राशन का जो आदेश महज मार्च तक के लिए, पहले भी एक आदेश था अब भी बढ़ाया गया, ऐसा नहीं है, सरकार आएगी, इलेक्शन है हमारे, क्या मार्च तक के लिए क्यों बढ़ाया गया? सरकार आएगी उसके बाद फिर होगा, चालू होगा, ऐसा नहीं है, सरकार भी अच्छा, तो भारतीय जनता नहीं, भारतीय जनता क्योंकि चुनाव है ना भाई साहब, बीच में चुनाव भी तो है, आगे चुनाव की जनता को चुनाव की वजह से नहीं, देखो ऐसा है ना, बीच में चुनाव भी तो है, आप देखिए फरवरी में चुनाव हो सकता है, आचार संहिता लगेगी उसके बाद भी तो बढ़ाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमारी सर वो है, ये सिर्फ बढ़ा वोटों का लाभ लेने के लिए है कि चुनाव आएगा तो दोबारा देंगे, तो पहले हमें वोट दो फिर हम तुम्हें राशन देंगे। मैम हम लोगों की भी योजना थी, हम लोगों ने लैपटॉप निष्पक्ष भावना से बांटे थे मैम, पिछली हमारी सरकार में जब सरकार आई थी उसके पहले साल में ही मैम, पहले साल में ही 15 लाख लैपटॉप बांटने का काम किया था, 15 लाख लैपटॉप बांटने का काम किया था और बिना किसी के देखे, और अब सरकार इनकी सरकार जाने को तो हिंदुओं को नहीं दिए, ब्राह्मणों को नहीं दिए, ठाकुरों को नहीं दिए, मुस्लिम महिलाओं के साथ नहीं है क्या? सबका साथ सबका विकास नीति पे हम काम करते हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो पीयूष जैन जी पकड़े गए हैं उनके बारे में इनका क्या कहना है? पीयूष जैन जी आप ही के पार्टी के बता रहे हैं मैम, उस गली में 2 लोग रहते हैं, एक पीयूष जैन जी एक पम्मी जैन जी, जो पम्मी जैन जी है वो समाजवादी पार्टी के MLC है और छापा पड़ा है पीयूष जैन जी के यहाँ, इनसे इनका सूचना तंत्र कमजोर है, इनसे पहले सीखे और सूचना तंत्र अपना गूगल करिए, गूगल करिए, गूगल करिए, अभी न्यूज में दिखाया है कि जो जिन्होंने लॉन्च किया था इधर उनके यहाँ छापा पड़ा हुआ, अभी भी जांच चल रही है, देख लो जाके, अभी भी चल रही है, अभी चल रही है, इसी वक्त जिन्होंने अभी लॉन्च किया है वो
अखबार लेके आओ, हिंदुस्तान अभी आया, हिंदुस्तान में भी पढ़ के आया हूँ। पीयूष जैन जी के यहाँ चापा पड़ा है, वो पम्मी जैन है जो एमएलसी है, उनके यहाँ भी पड़ा है। आज का अखबार लाई है। समाजवादी पार्टी के भाई है अपने चिरागी, उनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार होती तो क्या राम मंदिर मिलता? हिंदुओं का बहुत बड़ा आस्था का विषय है राम मंदिर। मैम ये राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं, मैम मैं पूछना चाहता हूँ, ये राम मंदिर में इनका क्या है? राम मंदिर हाई सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हमारी भी आस्था है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। उसमें पिछले कई सालों से केस चल रहा था और वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश दिए है कि वहाँ मंदिर बनेगा, है ना? तो मैम ये अपना क्रेडिट क्यों लेते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हमारी आस्था है राम मंदिर। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार थी, जब हमारे कार सेवक वहाँ पे कार सेवा करने के लिए गए थे, तो इन्होंने गोलियां क्यों चलवाई उनके ऊपर? क्या ये राम मंदिर बनवा देते? जिन्होंने इनके गोलियां चलवाई कार सेवकों पे, क्या ये हत्या कराई थी? मैम देखिए, कार सेवकों पे गोली चलवाई थी तो ये एक मनगढ़ंत, एक इन लोगों ने एजेंडा बना दिया। इन लोगों ने तो ये भी कहा था कि हम लोगों ने गेस्ट हाउस में मायावती, मतलब बहुत अपशब्द के हिसाब से कि मायावती की साड़ी फाड़ती फलाना दिखाना, ये मैं ये पूछा, मायावती की भी साड़ी पहनती है? आप बताइए मैम, इन लोगों का काम है मनगढ़ंत कहानी बनाना, उसको तोड़ मरोड़ के वो करना। मैम वहाँ पे पुलिस को अपनी शांति व्यवस्था बनानी थी, तो पुलिस का जो कोच था मैम, उसे पुलिस ने एक्शन लिया था, और उस समय सरकार हमारी थी, तो ये तोड़ मरोड़ के उसको पेश करना चाहते हैं बस। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरह 2022 का चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का साथ आपको योगी सरकार को देना चाह रहे हैं, तो आप ये बताइए, 5 कार्य गिना दीजिए योगी जी के। 5 कार्य मैडम, आप देखिए ना, क्योंकि आगरे में देखो, आगरे की बता दो, मेट्रो मिल रही है हमारी सरकार की, मेट्रो है। क्यों क्यों आपकी, क्योंकि क्योंकि बताओ ना, मेरे को बताओ ना, आपकी अब राशन राशन योगी सरकार, श्रम है, श्रम श्रम कार्ड बन रहे हैं, जो आप भी देख लिए वो तीन है ना, भय मुक्त हुआ है हमारा। योगी सरकार में गायों के लिए जो गौशाला बनाई है, मेरे साथ यहाँ गौरक्षक एक मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, क्या गाय गौशाला में सुरक्षित है या गौशाला में है या नहीं है, क्या नाम है? आपका जवाब बहुत सुंदर है, और पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को कि आपने मुझे भी टाइम दिया, और आपने कहा गायों का, गाय योगी सरकार में सुरक्षित है या नहीं है। कांग्रेस सरकार ने गाय बछड़े का चिन्ह लगाया था और वही बीप की पार्टी मना रहे हैं। महात्मा गांधी ने आज़ादी की पहली कलम से गौ हत्या का कानून लहरा, 70 साल में क्या हो गया, गाय कट रही थी। समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से कार से वो गोलियां चलवाई, किस तरीके से खुलेआम गौ कसी के लिए लाइसेंस दिए गए थे। उत्तर प्रदेश जब से योगी सरकार आई है, जब से कम गौशाला तो बन रही है, जिसमें गाय कितनी सुरक्षित है आप सभी जानते हो, लेकिन योगी सरकार ने जिस दिन से शपथ लिया उसी दिन से उन्होंने गाय के लिए काम करना चालू कर दिया। जितने स्लॉटर हाउस थे जो फालतू के चल रहे थे बंद करे, जितनी दुकान पूरे मुद्दे पे कहूंगी और चाहूंगी कि गाय गौशाला में है या गाय सड़कों पर है। हाँ हाँ, ये दिखाइए, आप दिखाइए गौशाला को, उसके बाद मैं भी बताऊँ। हाँ, उसके बाद मैं भी, इस समय हमने देखा जा रहा है कि गाय सड़कों पर घूम रही है, और ये गौ रक्षक है मेरे साथ जितिन जयपुरिया, और इनका साफ तौर से कहना है कि गाय सुरक्षित है और गाय गौशाला में है जी। अच्छी ये बात आपने अच्छी की, गाय गौशाला में है, क्या बताओ, ये ब्रज की धरती पे गाय नहीं विचरण करेंगी, जिसकी जमीन आप खा जाओगे, बड़े बड़े नेता डकार जाओगे, गोचर जमीन खा जाओगे, जहाँ पर ये गाय चारा की जमीन होती थी वहाँ खा जाओगे, तो क्या गांव से बाहर जाएंगे? गौशाला में गाय सुरक्षित है और रोड पे है नहीं। देखिए, गाय हिंदू धर्म में गाय को बहुत परम श्रद्धा दी गई है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है संगीत सोम, अभी अभी का गूगल करके मैंने न्यूज़पेपर खोला, द हिंदू की खबर है, संगीत सोम सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं, इंडिया के थर्ड बीफ एक्सपोर्टर, और जो अल्दुआ एक कंपनी है, और बीजेपी के MLA हैं, अल्दुआ एक कंपनी है, उसमें स्टेक होल्डर हैं, ठीक है। और ये अभी आपके सामने की था गूगल को करी हुई हिंदू की, द हिंदू की खबर, द हिंदू ISPCS जो तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं, मैं आपको तथ्यों के साथ ये बात बता रहा हूँ, इनको ये बात भी रखनी चाहिए। सबसे बड़ा बूचड़खाना अगर किसी का है तो संगीत सोम।
मैम जब से हमारे प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से मैम गाय और वो बैलों ने मैम जो खेतों का सत्यानाश किया है, जो खेतों को उजाड़ने का काम किया है, जो किसान रात रात भर में भरी ठंड में टॉर्च लेके पूरी पूरी रात अपने खेतों में देता है, ये उनके लिए क्या इंतजाम? सुंदर बहुत सुंदर भाई साहब का जवाब बढ़िया है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो लोग गाय और बैल है ना वो जो खेतों में, योगी जी ने तो गौशालाओं का इंतजाम कराया है। मैम गौशालाओं का इंतजाम कराया है लेकिन गौशालाओं में मैम गौशाला है लेकिन गौशाला में खाने के लिए गायों के लिए चारा नहीं है, गाय बेचारी भूखी गौशालाओं में मर रही है। इस वजह से जो लोग होते हैं वो गायों को अपने छोड़ना पसंद करते हैं लेकिन गौशालाओं से जाने से बेटर उन्हें छोड़ना अच्छा लगता है। बहुत सुंदर, इनका काम कहना है कि जितनी गौवंश है योगी ने गौशाला बनवाई है वो सारे गौ जब बाहर निकाल दिए, इससे जो कट्टी खाने हैं वो दोबारा सुचारू जितनी सबसे बड़ा कट्टी खाना उत्तर प्रदेश का है तो बीजेपी के विधायक संगीत सोम जी का है, जाके सभी लोग पता कर लें। और गायों की देख रहे आप बताइए, रोडों पे जो पलनी खाने वाली गाय सरकार में गाय कट रही है और ये लोग कटवा रहे हैं, इनके सारे ये सब सारा मिली भगत है, ये सब बीजेपी प्रचार बना रखा है और सबको झूठ करा रखा है प्रचार का। आप भी तो बीजेपी के सांसद जी का ये जैकेट पहने हुए हैं। अरे बता तो रहे हैं, हम दिखा रहे हैं ना, फ्री मिल रही है, फ्री मिल रही है, जनता को दे रही है वो, ये तो सिर्फ प्रचार झूठ करा रखा है। सपा को वोट जाएगा इस बार, ये गर्म में फैलाने गलत फैलाने से। बहुत सुंदर बात आपकी लेकिन एक बात शंकर राम जिस तरह की 2022 चुनाव नजदीक है किसको पहनाएंगे मुख्यमंत्री का ताज? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को क्यों? योगी जी ने तो विकास की उत्तर प्रदेश में गंगा बहा दी। इससे पहले 7 सांसद थे हमारे आगरा में, 2 रुपए का काम नहीं हुआ लेकिन अखिलेश यादव की सरकार आते ही हमारा आगरा बहुत अच्छी राहों पर चला गया समझ लो। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगरा को अभूतपूर्व काम दिया हो, काम दिया देखिए सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जरूरत है क्योंकि हमारा आगरा जो है एक पर्यटन नगरी या ताज नगरी है, इसके लिए पर्यटन के लिए टूरिस्ट बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आगरा मेट्रो का जो हमारे दिया है, आगरा मेट्रो दी है, ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा साधन दिया है। भारत माता की साधन दे दिया। मैम मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी इनकी सरकार में इस आगरा जिले में 9 विधायक, 2-3 सांसद, एक मेयर और एक जिला पंचायत, ठीक है मैम, पूरे मैम जनप्रतिनिधि सब इन्हीं का है। मैं और ये मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो मैम अगर आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो अखिलेश जी की सरकार में स्वीकृत हुई थी, अखिलेश जी के और एक एयरपोर्ट भी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्वीकृत हुआ था जो कि इनकी सरकार में वो पलवल ले जाने का काम हुआ। मैम अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आगरा में हमारा जब हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी सरकार थी, सिर्फ एक विधायक था, सिर्फ एक विधायक पे हम लोगों ने एक लखनऊ का एक्सप्रेसवे देने का काम किया, एक ये ताजमहल का जो कोऑर्डिनेटर है उसको पूरा उसका पूरा। इनका कहना है कि साफ तौर से जो मेट्रो है वो अखिलेश सरकार में स्वीकृत हुई थी। मैडम ऐसा है जैसे आप पूरे प्रदेश की बात करेंगे, पूरे प्रदेश के अंदर आज हमारी सरकार ने 3 एक्सप्रेसवे देने का कार्य किया है, इनकी सरकार ने लखनऊ एक्सप्रेसवे पूरा नहीं कर पाई थी उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। मैम लखनऊ एक्सप्रेसवे पूरा था, उस पर हम चलने लगे थे, उस पर टोल भी नहीं लगता था, इनकी सरकार आने पर मैम उस पर टोल लगाए, उस पर टोल शुरू किए गए, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का साधन बनाया गया, टोल शुरू करने का काम किया। लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया था, ठीक है, पहली बार था वो टूट चुका था, अभी मेरठ वाला उसकी जांच में क्या हुआ, उसकी जांच में कैसे जांच पूरी हुई, जांच पूरी हुई काम शुरू कराया था, इन लोगों ने सिर्फ फीता काटने का काम किया है, एक काम करने का काम करा है और शिलान्यास का शिलान्यास औरंगजेब के नाम पे थोड़ी होगा, बाबर के नाम पे नहीं होगा। मैम लखनऊ एक्सप्रेसवे 15 लाख, लैपटॉप वितरण, मैम कन्या विद्या और मैम क्या बोलते हैं इकाना स्टेडियम, मैम लखनऊ में स्टेडियम, मैम तीन वो क्या बोलते हैं एम्स मेडिकल कॉलेज और मैम ऐसी कई तमाम, और मैम 100 जो आज इन लोगों ने 112 कर दिए वो भी अखिलेश जी की देन है, ऐसे कई तमाम काम जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। योगी जी के उत्तर प्रदेश सरकार के 5 काम, मैं आगरा के मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, अरे हजारों काम है, उन्होंने
सुमंगलम योजना पहले नहीं थी, पहले भी तो थी। नहीं नहीं नाम बदल दिया, नाम बदल दिया है, नाम बदल दिया उन्होंने। नहीं सुमंगलम योजना है आपकी, ठीक है, स्वराज रोजगार योजना है, ठीक है, और आपका गैस फ्री गैस उन्होंने पहुँचाई है। फ्री सिलेंडर दिलवाया हुआ सिलेंडर में, आज गैस का रेट क्या है मैम आपको बता सकती है मैम? अभी उसमें दो पिछले महीने 100 रुपए बढ़े हैं, करीब 1200-1300 रुपए का है। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी की सरकार है, कितने खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है मैडम, बिल्कुल। विकास की गंगा क्या करेंगे, सारे व्यापार पेंट तक नहीं हुआ आज तक, जो खाली खोखली बातें कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगी। योगी जी खोखली बातें करते हैं और क्या, और क्या क्या मेट्रो दे दिया बस विकास हो गया। मेट्रो से आप खुश नहीं है? खुश नहीं है, कौन जाएगा मेट्रो के लिए वहाँ पर, जो वहाँ पे उसके लिए सवारियाँ पैदा नहीं होंगी। चुनाव आ रहे हैं, कोरोना आ रहा है, उसके साथ लेकर के कोरोना में भी हजारों आदमी मर गए, गैस तक का इंतजाम नहीं हुआ इनके पास। सिलेंडर फ्री कर दिया कि 1000 रुपए का जो है वो सिलेंडर पकड़ा करके 2000 रुपए का पैसे कमाए हैं, मालूम है उनको? 1000 रुपए का सिलेंडर वो बेचारे गरीब जो है वो जो है वो भरवा लेगी उसको, जो है 1000 रुपए का नहीं भरवा सकती। सिलेंडर देना एक अलग बात है, 2000 रुपए का एक सिलेंडर दे दिया, फिर उससे कमाया कितना, 20000 रुपए कमा लिया उसने। मैडम मैडम राशन मत दो, रोजगार दो, राशन मत दो, फिर रोजगार दो, हम खरीद लेंगे राशन। राशन वाले तो एक वोट नहीं देंगे, नहीं ये लोग तो राशन देके वोट कैसे ले जा रहे हैं? सरकार ने हमारी ने सिलेंडर जो है सस्ता किया है, ऐसा नहीं है। अरे सिलेंडर 1000 रुपए का सिलेंडर कैसे आता है? पेट्रोल 50 रुपए सब्सिडी वाले सिलेंडर, ये पुराने जेब कटे हैं, ये पुराने पुराने जेब कटे हैं। सुनिए 1000 मतलब 2000 का सिलेंडर दे करके और 1000 रुपए उसका रेट कर दिया, गरीब आदमी भरवा सकता है उसको सिलेंडर को? नहीं भरवा सकता है। अंकल जी कह रहे हैं कि आप गरीबों के लिए सिलेंडर, गरीब तो भरवाएगा। तेरे के रेट देख लीजिए सिलेंडर के, आप जाके ठीक है आप निकालिए, ठीक है, नहीं 987 रुपए, 20 दिन बाद नंबर आता था, तब जाके सिलेंडर मिलता था, लाइने लगानी। आपको 50 सिलेंडर दिखा दूंगा जो घर में रखे हुए हैं और चूल्हे पर रोटी हो रही है, वो नहीं भरवा सकता है। आपको 50 सिलेंडर मैं अपने गांव में दिखा दूंगा जिनको फ्री दिए गए हैं और उनको जो है उन्होंने अंदर रख दिया, सिलेंडर के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है, चूल्हे पे ही रोटी हो रही है, सिलेंडर के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। उसी बात है, चूल्हे घर पे रख चल रहे हैं और सिलेंडर अंदर रखे हुए हैं, अंदर रखे हैं सिलेंडर, कोई नहीं भरवा रहा है। हमें राशन मत दो, हमें रोजगार दो और रोजगार से हम अपना राशन खरीद लेंगे, हम पे कोई डोले ना डाले कि हम तुम्हें राशन देंगे और तुम हमें वोट दो, हमें रोजगार दो, घर में बच्चों को रोजगार दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य दो। सरकार में पैसे आईपीएससी थे, बिल्कुल साफ है, यहाँ जनता का मूड 2022 जो नए साल है, जो सरकार में सब आईपीएस अधिकारी थे, आज ही मिल रहे हुए योगी सरकार में, नई सरकार, नई सरकार, जनता का मूड तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।